हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में आईटीबीपी हेड कॉन्स्टेबल के एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है बिना पासवर्ड और बिना सिक्योरिटी क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है sarkarresult.com। ठीक है, आपको साइट फिलअप करके फ्रेंड्स सर्च पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सर्च पे क्लिक कर दिया मैंने, आप फर्स्ट में देख रहे हैं sarkarresult.com। आपको इस साइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड्स। ठीक है, तो फ्रेंड नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आईटीबीपी हेड कॉन्स्टेबल एससी फॉर्म स्टेटस। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे इसमें आपकी टोटल पोस्ट फ्रेंड्स 62। ठीक है, जिसमें जनरल की 37, ओबीसी की 12 थी फ्रेंड्स, एससी की 10 थी और एसटी की 3 पोस्ट थी, जिसमें टोटल आपकी पोस्ट 62 थी फ्रेंड्स। ठीक है, आपकी जिसमें एज मांगी गई थी 18 से 25 इयर्स। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, आपकी इसमें टाइपिंग भी होगी। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि टाइपिंग हो गया नहीं होगी, तो इसमें फ्रेंड्स आपकी टाइपिंग भी होगी। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में फ्रेंड्स 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो प्लस टू में मांगी गई थी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बात कर लेते फिजिकल एबिलिटी के बारे में। इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स 77 से 82 के बीच में। ठीक है, मतलब बिना फुलाए 77 और फुला के 82। ठीक है, और जो फ्रेंड एससी कास्ट हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट मांगी गई इसमें 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो उनकी चेस्ट है 71 से 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स फैमिली के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये मांगा गया है। फ्रेंड्स नीचे आइए, लॉग इन टू व्यू स्टेटस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है आईटीबीपी को, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए या लॉग इन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप देख रहे हैं लॉग इन टू व्यू स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा साइट स्लो चल रही है फ्रेंड्स आजकल ये। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम दिया गया आपका और पासवर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है फर्स्ट ऑप्शन पे, रजिस्टर हेयर है एंड रिक्वेस्ट फॉर पासवर्ड रिसेंट है। ये दोस्तों अभी हाल ही में मतलब ऑप्शन दिया है आईटीबीपी वालों ने। ठीक है, हाल ही मतलब ये लॉन्च किया अभी। ठीक है, इससे आप मतलब बिना सिक्योरिटी और बिना पासवर्ड के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर पासवर्ड रिसेंट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी 10th क्लास में थी। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास में थी, आपको इस हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करनी है। और फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड नीचे देखिए मोबाइल नंबर आपको अपने यहाँ पे रोल नंबर भर देना है। ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर। और फ्रेंड्स रजिस्टर ईमेल आईडी, जो अपने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाते समय फ्रेंड अपनी जो अपने ईमेल आईडी दी थी वहाँ पे आपको वो फिलअप करनी है। जो आप देख रहे हैं नीचे इंटर कैप्चा कोड, आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। और फिर नीचे देखिए सर्च सबमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड मुझे कोई भी न्यूज चाहिए हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।